नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज। अन्वेषक न्यूज आपके संघर्ष का साथी। वेलकम टू माय चैनल। आज की खास खबर शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप हर खबर से अपडेट रहें। इस समय बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। अन्वेषकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग जल्द होगा, इसके लिए शासन स्तर पर तेज़ी से कार्य चल रहा है, जिसमें प्रिंस पंडित से वार्ता भी हुई थी डिबेट में। मैंने अपने चैनल के माध्यम से वो फुटेज दिखाई थी जिसमें प्रिंस पंडित जी की, शुकमा मिश्रा जी की और विक्रम सिंह की वार्ता हुई थी। उन्होंने नोट किया था 100 वार्ता और ट्रांसफ़र पोस्टिंग एंड ऑटो रिन्यूअल को लेकर। ट्रांसफर पोस्टिंग की खुशखबरी देते हुए शिव कुमार मिश्रा जी स्पेशल कवरेज न्यूज के माध्यम से, एक एक शब्द देखा जा रहा विक्रम सिंह ने आज क्या कहा है डिबेट में। ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी जल्दी पूरी होने वाली है, बस समझने की बात है। तो सर मैं वही कह रहा था कि 24 घंटे के अंदर इस सरकार की, देखिए इस अधिकारियों की और इस सरकार, मैं तो शासन को दोष दूंगा, मैं प्रशासन के लोगों को नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इसको बढ़ावा किसने दिया है? आपने दिया है, शासन में बैठे हुए लोगों ने दिया है। इस अधिकारियों की इतनी हैसियत और इतनी औकात हो जाएगी कि 24 घंटे के अंदर अपना काम बनता तो 24 घंटे के अंदर आदेश ले आते हो, और हमारी कई फाइलें 10 सालों से आपके टेबल पे धूल खा रही है। नहीं है आज, आज आपका मोबाइल सुरेंद्र सर का रोटेट नहीं है सर, मोबाइल सेट कर लीजिए, वो रोटेट वाला पॉइंट बंद हो गया, बस ऐसा ही ठीक है जी। तो सर 24 घंटे के अंदर आदेश आ गया कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को शासनादेश आपने बदल दिया, और इसलिए बदल दिया कि आपको 4800 रुपया एक अनुदेशक को न देना पड़े। अरे सर मानी चाहिए ऐसी सरकार पे, और उत्तर प्रदेश सरकार घोषणा करे कि हम भिखारी हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक निःशुल्क पढ़ाने के लिए, उन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएगा, हम एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन तुम घोषणा तो करो कि हमारे पास अनुदेशकों को देने के लिए पैसे नहीं है। अरे गर हम रोबोट है, हमको गर्मी नहीं लगती, हमको ठंडी नहीं लगती, हमको भूख नहीं लगती, हमारे बाल बच्चे नहीं है, आप हमको ठंडी की जो छुट्टी दे दिए तो हमारा पैसा काट लोगे। अरे कौन आपसे छुट्टी मांग रहा है, हम तो 12 महीने काम करने को तैयार है, आप काम लो ना हमसे, लेकिन हमको 12 महीने का मेहनताना दो। हम आपके चैनल के माध्यम से इस शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से कहना चाहेंगे कि हमको नहीं चाहिए ठंडी की छुट्टी, हमको नहीं चाहिए गर्मी की छुट्टी, हम 365 दिन 366 दिन काम करने को तैयार है, हमसे काम लो और जितना काम लेना हो लो, लेकिन हमको उसका पैसा दो। और इस प्रकार का जो एडजस्टमेंट कर रहे हो, शर्मानी चाहिए आपको, इस सरकार को शर्मानी चाहिए। आप बड़े बड़े दावे करते हो, राम राज की बात करते हो, लोक कल्याणकारी राज की बात करते हो, सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, और आज 4800 रुपया देना पड़े इसके लिए आनंद पानन में 24 घंटे के अंदर शासनादेश बदल दिए। अरे याद करो हमारा 17000 का शासनादेश भी आपके टेबल पे पड़ा है, उस समय वो अधिकारियों के कलम कहाँ चले जाते हैं, आनंद पानन में आदेश आते हैं। हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग का वो भी परियोजना में वो भी शासन के पास टेबल पे रखा है, वो आदेश क्यों नहीं जारी होते हैं, क्यों जारी होंगे? आपको तो अनुदेशकों का खून पीने में मजा आता है इस सरकार को सर, और जब से इन अधिकारियों के करतूत को देखिए, कोई आनंद पालन में कुछ आदि कल देखिए आदेश जो आया था, एसपीसी बघेल जी का आदेश आया था, एसी कमरों में बैठकर नियम बनाते हो। हम तो चैलेंज करते हैं, इन लोगों को यह भी नहीं मालूम होता है कि अनुदेशकों का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है और कब से समाप्त होता है। हम तो चैलेंज करते हैं, प्रयागराज की धरती पर बैठकर आप एसी कमरों में बैठकर नियम बनाते हो, पहले पता करो कि अनुदेशकों का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, कब से समाप्त होता है। लेकिन आपने आनंद फानन में कल एक आदेश जारी कर दिया, और देखिए जो आदेश आज जारी हुआ है सर, उसमें बैक डेट 15 तारीख वो आदेश आ गया है, कल 9:15 पे एसपीसी बघेल जी सच
आया था उसमें कहीं इस प्रकार का जिक्र नहीं था, लेकिन आज देखिए जो आदेश आया है सर, उसमें आप देखिए आज कल के डेट का आदेश आ गया है, 16 का आदेश है लेकिन डेट 15 डाल रहे हो, क्योंकि आज तो उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में तूफान मच गया, लोगों को कि लगा कि अरे आज तो निदेशक नहीं आएंगे तो विद्यालय कैसे चलेगा, प्रधानाध्यापकों को लगा कि उनको मिर्गी आने लगी, उनको मिर्गी आने लगी प्रधानाध्यापकों को, वो बार बार निदेशक के पास फोन करने लगे कि अरे आ जाओ आ जाओ, अरे आप जब हमारे महत्व नहीं समझते, आप हमको कुछ देने की बात होती है तो आप मेरी बात नहीं समझते, और एक दिन सिर्फ एक दिन उत्तर प्रदेश का निदेशक अपने विद्यालय में नहीं गया तो आपको लगा कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में तूफान आ जाएगा। अरे आप किस लिए 70-80 हजार 90 हजार रुपया लेते हो, आप किस लिए रुपया लेते हो, आपको कौन बैठाया है, और जब आपको बैठाया है तो आप अपना काम क्यों नहीं करते हो। उत्तर प्रदेश का निदेशक आप कहते हो अंशकालिक है 24 क्लास लेता, और हम जब विद्यालय नहीं आते हैं तो आपको लगता है मिर्गी आने लगी, आपके तो हर भीड़ पर जाते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का